Hello everyone. So today will be the last lecture of ray optics. Finally, हम लोग ray optics को आज end करने वाले हैं और आज का हमारा last topic है scattering of light. Okay? तो चलो start करते हैं scattering of light, which is the last topic of the ray optics. Let's start. Scattering of light. तो सबसे पहले समझेंगे कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता क्या है. तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों. सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल बहुत छोटी है, इतनी छोटी है कि इसकी साइज ऑलमोस्ट लाइट के वेवलेंथ के ऑर्डर का है. ठीक है, लाइट के वेवलेंथ का ऑर्डर बोलूं तो आप बोलोगे सर लाइट के वेवलेंथ का ऑर्डर क्या है. तो जैसे कि आपको पता है कि लाइट जो मैं बात कर रहा हूँ किस लाइट का बेटा, विजिबल लाइट का. विजिबल लाइट क्या होता है बेटा, 4000 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉम तक के रेंज का होता है. ये वॉयलेट है और ये रेड है ना, अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, तो इसको बेटे 4000 इंटू एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10^-10 मीटर. 1, 2, 3 ये हो गया बेटा -7. तो इसको भी लिख सकता हूँ 4.4 इंटू 10^-6 भी लिख सकता हूँ मीटर. और आपको पता है बेटा 10^-6 मीटर को क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर. तो 0.4 माइक्रोमीटर. तो देखो किसके रेंज का आ रहा है, माइक्रोमीटर के रेंज का आ रहा है. क्लियर है, माइक्रोमीटर के रेंज का. तो अगर पार्टिकल की साइज इतनी छोटी हो, किस रेंज का हो, माइक्रोमीटर के रेंज का हो. ठीक है, माइक्रोमीटर के रेंज का हो तो अपन क्या करें, तो ऐसे पार्टिकल पर अगर लाइट रे इंसिडेंट होता है, ठीक है, ऐसे पार्टिकल पर अगर लाइट रे इंसिडेंट होता है, कैसा पार्टिकल बेटा, जिसकी साइज बहुत छोटी है. कितनी छोटी है, एज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट, मतलब ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर का या कंपेरेबल है. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन की जगह है, वो क्या करता है, सभी डायरेक्शन में ऐसा बिखर जाता है. ठीक है, क्या हो जाता है बेटा, स्कैटर हो जाता है इस तरीके से, सभी पॉसिबल डायरेक्शन में चारों तरफ क्या हो जाएगा, ऐसा स्कैटर हो जाएगा. ठीक है, ऐसा स्कैटर हो जाएगा. क्लियर, इस घटना को, इस फेनोमेना को हम लोग कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट. तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं. लाइट रे इंसिडेंट होता है एक पार्टिकल पर जिसकी साइज बहुत छोटी है, जिसकी साइज माइक्रोमीटर के रेंज का है, जिसकी साइज कंपेरेबल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट है ना, जिसकी साइज ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर की है. ऐसे पार्टिकल पर जब लाइट रे टकराती है तो वो क्या करती है, सभी डायरेक्शंस में, ऑल डायरेक्शंस में स्कैटर हो जाती है. और इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं बेटे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं. तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया हमें कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है. चलो डेफिनेशन लिख लेते हैं. व्हेन लाइट रे स्ट्राइक्स अ पार्टिकल सच दैट इट्स साइज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट then the incident ray scatters in all direction. This phenomena is known as scattering of light. Understood? So this is the definition of scattering of light. Okay? बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि scattering of light क्या होता है. चलो भाई, इतनी कहानी तो हमें अच्छे से समझ में आई. अब आपको क्या करना है, अब हमें देखना है कि क्या ये जो scattering of light हो रहा है ना, scattering of light हो रहा है, वो white light के साथ होता है या हर एक particular light color के light के साथ होगा, कैसा होगा, है ना, इस चीज को देखते हैं. तो एक साइंटिस्ट हुए बेटा, रेली करके नाम था उसका. ठीक है, रेलीज लॉ
ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो रेले करके एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक लॉ दिया बेटा स्कैटरिंग के लिए। अब ये डिपेंड करता है कि हमने लाइट को डाला, ठीक है, लाइट क्या हो सकता है बेटा, मोनोक्रोमेटिक हो सकता है, मोनोक्रोमेटिक हो सकता है या फिर व्हाइट लाइट हो सकता है। जब मैं मोनोक्रोमेटिक बोलता हूं मतलब सिंगल वेवलेंथ यानी सिंगल कलर, ठीक है, और जब मैं व्हाइट कहता हूं तो व्हाइट मतलब क्या हो जाता है बेटा, ऑल सेवन कलर्स। ठीक है, तो मोनोक्रोमेटिक है या व्हाइट लाइट है, अगर मैं व्हाइट लाइट डाल रहा हूँ बेटे, व्हाइट लाइट अगर इंसिडेंट करा रहा हूँ तो आपको ऑलरेडी पता है कि व्हाइट लाइट क्या होता है बच्चे, सेवन कलर्स का कॉम्बिनेशन होता है, दैट मीन कि उसके अंदर क्या है, सातों कलर मौजूद है ना, सातों कलर मौजूद है तो सातों के अलग अलग वेवलेंथ है। ठीक है, तो क्या सबका स्कैटरिंग एक समान होगा या फिर अलग अलग होगा, तो इसकी जानकारी हमें किसने बताई, रेले साहब ने बताई रेले लॉ में। ठीक है, तो चलो उन्होंने क्या कहा समझते हैं। उन्होंने कहा कि कौन सी लाइट रे है ना, कौन से कलर की लाइट रे कितनी ज्यादा स्कैटर होगी, मतलब उसके स्कैटर होने की इंटेंसिटी कितनी ज्यादा होगी, यानी उसके स्कैटर होने की डिग्री कितनी ज्यादा होगी, कौन कितना ज्यादा स्कैटर करेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका वेवलेंथ क्या है। ठीक है, उन्होंने कहा, रेले ने कहा कि कितनी ज्यादा इंटेंसिटी के साथ कोई लाइट रे स्कैटर होगा, मतलब कौन किस हद तक स्कैटर होगा, ठीक है, इस चीज ये चीज किस बात पर डिपेंड करता है, तो वेवलेंथ ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू हिम इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है, फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है बेटा, अकॉर्डिंग टू हिम इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। ठीक है, दैट इज आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/λ^4। ठीक है, तो ये उन्होंने लॉ दिया, किसने बेटे, रेले ने। ठीक है, रेली का लॉ क्या था कि आई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा 1/λ^4। ठीक है, तो ये चीज हमको समझ में आ गया भाई कि लेमडा पर डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग, मतलब कौन कितना ज्यादा स्कैटर होगा, अमाउंट ऑफ स्कैटरिंग। ठीक है, समझ गए बात को, तो यहां से हमें बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि जिसका वेवलेंथ कम होगा उसकी स्कैटरिंग ज्यादा होगी और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी स्कैटरिंग कम होगी। तो अब आपको पता है बेटा कि आपके पास अगर व्हाइट लाइट है, ठीक है, जैसे कि सन से जो रेज आती है, सन से जो लाइट आती है, सन लाइट जो है वो किस प्रकार की है बेटा, व्हाइट लाइट है। अब व्हाइट लाइट है तो उसमें क्या है, सात कलर है, तो व्हाइट लाइट सन से निकल करके जब आती है तो उसको एटमॉस्फेयर मिलता है। एटमॉस्फेयर में क्या होता है बेटा, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल है जो हमें नेकेड आई से विजिबल भी नहीं होते, नेकेड आई से हमें दिखाई भी नहीं देते हैं, ठीक है, बट वो होते हैं। तो ऐसे पार्टिकल से जब वो लाइट रे टकराती है, ठीक है, तो स्कैटरिंग होता है, आ रही बात समझ में, और इस स्कैटरिंग की वजह से अलग अलग फिनोमेना हमें देखने को मिलता है, हम उन फिनोमेनास के बारे में भी सीखेंगे। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में, ओके, तो सी, तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि जब व्हाइट लाइट आएगी सन से तो उसमें सात कलर होंगे, और वो सात कलर क्या क्या होते हैं आपको बहुत अच्छे से पता है ना बेटे, ये सात कलर होते हैं बेटा, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और ऑरेंज एंड रेड, और ये जो ऑर्डर है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, दैट मींस कि सबसे कम किसका होता है बेटा, मिनिमम वेवलेंथ किसका है बेटा, वॉयलेट का मिनिमम वेवलेंथ, और मैक्सिमम वेवलेंथ किसका है, रेड का मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में, तो यहां से आप मुझे बता दो बेटा कि सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होगी, ठीक है, कौन सा ज्यादा स्कैटर्ड होगा, तो जिसकी लेमडा कम है, किसकी लेमडा कम है, वॉयलेट। ठीक है, तो यहां से हम समझ सकते हैं कि वॉयलेट जो है वो, वॉयलेट इज द
मोस्ट स्कैटर्ड है ना, मोस्ट स्कैटर्ड लाइट, ठीक है। सबसे ज्यादा किसका स्कैटरिंग होगा बेटा, वॉयलेट का होगा, क्यों, क्योंकि उसका लैम्डा सबसे कम है। दूसरी बात जो हमें समझ में आएगी वो है कि रेड इज द लीस्ट स्कैटर्ड कलर है ना, लीस्ट स्कैटर्ड लाइट। क्यों भाई, क्यों सबसे कम है, कम स्कैटरिंग होगा क्योंकि उसका लैम्डा मैक्सिमम है, जिसका लैम्डा मैक्सिमम होगा उसका इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग कम होगा। तो ये बहुत अच्छे से याद रखना है बेटा, ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है, लीस्ट स्कैटर्ड वॉयलेट, मोस्ट स्कैटर्ड वॉयलेट, लीस्ट स्कैटर्ड रेड, है ना। ये दो अक्सर डायरेक्टली भी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आपको दिमाग में रखना है, ओके। इसके अलावा आपको बहुत से डेली लाइफ एग्जांपल्स मिल जाते हैं इस चीज के, किस चीज के बेटे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ऊपर, ओके। तो चलो अब हम देखेंगे कि डेली लाइफ में आपको क्या क्या एग्जाम्पल्स देखने को मिलता है, लेट्स सी। तो पहला जो सबसे फेमस है बेटा वो कि हमारा जो स्काई है उसका कलर कैसा है बेटा, ब्लू कलर है ना, ब्लू दिखता है स्काई, कैसा दिखता है आपको बेटा, ब्लूइश दिखता है, व्हाई सो है, क्यों ऐसा होता है, चलो समझते हैं। तो क्वेश्चन लिखा रहेगा आपको, व्हाई द स्काई है ना, कैसा राइमिंग हो गया एकदम से मस्त, व्हाई द स्काई अपियर्स ब्लू, तो ब्लू क्यों दिखता है, ठीक है, आगे बात समझ में। तो बेटे जब सन से लाइट आती है तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे अर्थ के पास ही बस एटमॉस्फेयर है, उसके बाहर चले जाएंगे तो एटमॉस्फेयर नहीं है, है ना बेटे, अर्थ के बाहर चले जाएंगे तो एटमॉस्फेयर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है मतलब वैक्यूम है, वैक्यूम मतलब नथिंग, नो पार्टिकल, नथिंग, ठीक है। तो सन से जब लाइट चलती है तो लाइट चल करके फिर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में घुसती है और फिर हम तक पहुंचती है, बहुत अच्छे से समझ में आ रही है चीज, ओके। तो चूंकि अर्थ के बाहर है ना वैक्यूम है, वैक्यूम में कोई पार्टिकल है नहीं, है ना, तो वहां किसी प्रकार की स्कैटरिंग होगी नहीं, ठीक है। तो लाइट जो है वो कंबाइनली वो आ रहा है व्हाइट कलर के रूप में, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। बट जैसे ही लाइट हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो उसको बहुत से ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं, जैसा कि आपको पता है कि एयर में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, तो ऐसे पार्टिकल्स से वो टकराती है जिसकी साइज बहुत छोटी होती है, माइक्रोमीटर के रेंज के, यानी लाइट के वेवलेंथ के रेंज के, ठीक है। तो वहां पर हो जाता है क्या, स्कैटरिंग। तो जब वहां पर स्कैटरिंग होगा बच्चों, तो स्कैटरिंग किसका हुआ, व्हाइट लाइट का हुआ, और व्हाइट लाइट क्या आके एक वेवलेंथ वाला है, नहीं, उसके पास 7 वेवलेंथ है, क्योंकि उसमें 7 कलर है, क्योंकि उसमें 7 लाइट्स हैं, ठीक है। तो 7 कलर्स हैं और हर एक का वेवलेंथ क्या है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट है। तो हर एक का स्कैटरिंग भी क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा, किसने बताया, रैले ने बताया, क्योंकि जो इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग होता है कि मतलब कौन सा लाइट कितना ज्यादा स्कैटर करेगा वो किस बात पर डिपेंड करता है, लैम्डा पे डिपेंड करता है। तो सबसे कम लैम्डा किसका है बेटा, वॉयलेट का। तो सबसे ज्यादा स्कैटर कौन होगा, ऑब्वियसली वॉयलेट स्कैटर होगा सबसे ज्यादा, और सबसे कम कौन स्कैटर होगा बेटा, रेड, सबसे कम रेड स्कैटर होगा। अब इस चीज को समझो तुम, आप देखो जनरली आपको कौन सा चीज दिखाई देता है ना, जो चीज फैला हुआ है वो चीज आप, वो कलर आपको प्रिवेल करेगा, वो कलर आपको ज्यादा दिखाई देगा, है ना, ओके। और कोई चीज एक, कोई कलर जो है एक ही जगह पर सिकुड़ा हुआ है तो वो ज्यादा आपको नहीं समझ आएगा, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो बिखरा हुआ होता है वो हमें ज्यादा समझ में आता है ना। वो वही कलर मान लो आपने एक मुट्ठी जो है ब्लू कलर लिया और एक मुट्ठी जो है रेड कलर लिया, रेड कलर को ऐसा एक जगह रख दिया और ब्लू कलर को ऐसा छीट दिया, तो आपको क्या समझ में आएगा बेटा, है ना, दूर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ब्लू दिखेगा, है कि नहीं। तो वैसा ही है, तो जो कलर ज्यादा बिखर जाएगा तो वो पूरे स्पेस को उस कलर से रंग देगा, है ना, और बाकी कलर क्या हुआ है, कम स्कैटर हुआ है, तो वो क्या होगा, एक ही जगह कॉन्सेंट्रेटेड होगा। अच्छा ठीक है, तो इस हिसाब से आपको क्या बेटा, सबसे ज्यादा स्कैटर कौन हो रहा है, वॉयलेट हो रहा है, तो आपको स्काई कैसा दिखना चाहिए, वॉयलेट दिखना चाहिए। लेकिन ये जो वॉयलेट और इंडिगो है ना, वॉयलेट और इंडिगो के प्रति हमारा आई उतना सेंसिटिव नहीं है, मतलब
हमको ये कलर ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आता दूर से, वॉयलेट और इंडिगो, बहुत ध्यान से समझना, वॉयलेट और इंडिगो के लिए हमारा आई ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। तो इन दोनों के बाद सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसका होगा? ब्लू का। सबसे ज्यादा स्कैटरिंग कौन होगा? ब्लू का होगा, ठीक है बेटा। और ये दोनों अपने को समझ में नहीं आता, हालांकि ये ज्यादा स्कैटर्ड होते हैं बट ये दोनों अपने को समझ नहीं आते। तो हमें कौन समझ आता है? ब्लू, उसका स्कैटरिंग भी ज्यादा हुआ है और हमारी हमारी जो आई है वो सेंसिटिव भी है उसके प्रति काफी ज्यादा, ठीक है। तो चूंकि आपको इतनी बातें नहीं लिखनी है, आपको समझना बस है कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि जो ज्यादा स्कैटर होगा तो सबसे ज्यादा कौन स्कैटर होना चाहिए? वॉयलेट। लेकिन इसको हमने क्यों नहीं लिया, ऐसा कलर हमें क्यों नहीं दिखाई देता? बिकॉज हमारी आईज इसके लिए ज्यादा सेंसिटिव नहीं है। तो फिर इसके बाद सबसे ज्यादा किसका होता है बेटा? ब्लू का, और ब्लू के प्रति हमारा आई है अच्छा खासा सेंसिटिव है। तो सो हमें जो स्काई दिखता है वो कैसा दिखता है बेटा? ब्लू। तो बताओ क्या मैं इतना सारा चीज लिखूंगा? नहीं, हम क्या लिखेंगे बेटा? व्हाई द स्काई अपीयर्स ब्लू, तो आप सिंपल लिखोगे बेटा बिकॉज ब्लू इज द मोस्ट स्कैटर्ड कलर, मोस्ट स्कैटर्ड लाइट इन द स्काई, देयरफोर इट अपीयर्स ब्लू, इट अपीयर्स ब्लू, ठीक है। अब इसके आगे कोई आपसे आर्ग्यू करे कि क्यों, तो फिर आपको ये सारी डिटेल बातें बतानी है कि लेमडा जिसका कम होगा उसका स्कैटरिंग ज्यादा होगा। तो फिर वो आपसे आर्ग्यू करेगा कि लेमडा तो सबसे कम वॉयलेट का होता है, तो फिर आप उसको आंसर करना कि हाँ ये सच है कि वॉयलेट का लेमडा सबसे कम होता है और इसका स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है, बट वॉयलेट और इंडिगो के प्रति हमारी आई उतनी सेंसिटिव नहीं है, तो हम इन दोनों को छोड़ करके इसको ज्यादा अच्छे से देख पाते हैं। सो हमें स्काई जो है वो ब्लू अपीयर होता है, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में? ओके, आगे बढ़ते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आएगा बेटा कि हाउ द कलर ऑफ स्काई अपीयर्स टू द एस्ट्रोनॉट, ठीक है। एस्ट्रोनॉट को स्काई का कलर कैसा दिखेगा, ठीक है बच्चे? स्काई का कलर एस्ट्रोनॉट को कैसा दिखेगा? तो बेटे सिंपल सी बात है, चूंकि एस्ट्रोनॉट कहाँ गया है, एस्ट्रोनॉट कहाँ जाते हैं, तो भाई क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, स्पेस में जाते हैं। स्पेस में क्या है, ना तो कोई क्या बोलते हैं एटमॉस्फेयर नहीं है, है ना, एयर नहीं है, पार्टिकल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो जब ऐसी कुछ पार्टिकल्स वगैरह है ही नहीं तो लाइट किसी से टकरा नहीं सकती, टकराएगी नहीं तो ना तो क्या बोलते हैं, ना तो रिफ्लेक्शन हो सकता है, ना तो रिफ्रैक्शन हो सकता है, ना तो स्कैटरिंग हो सकता है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वहां पर आपको दिखाई ही नहीं देगा कुछ, है ना बेटे, क्या होगा, दिखाई ही नहीं देगा। तो उसको कैसा अपियर होता है स्काई? डार्क। कैसा बेटा? डार्क, ठीक है। तो क्यों नहीं, क्यों डार्क अपियर होता है, तो आप बोलोगे बिकॉज देयर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। हाउ द कलर ऑफ स्काई अपियर्स टू द एस्ट्रोनॉट, तो द स्काई अपियर्स डार्क टू द एस्ट्रोनॉट बिकॉज देर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, देर इज नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ओके। सिंपल सी बात है भाई, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती इसलिए वहां पर उसको स्काई जो है वो डार्क दिखाई देता है, कुछ दिखता ही नहीं। तो ये दो बातें हो गई बेटा। तीसरी बात आपने कभी ऐसा देखा होगा जो क्लाउड होते हैं, क्लाउड, ठीक है। तो क्लाउड कैसे दिखते हैं आपको, ठीक है बेटे? क्लाउड आप अगर देखोगे तो वो हमें व्हाइट दिखाई देते हैं, ठीक है। कभी देखना जब अच्छा अच्छा दिन रहता है ना, शाम वगैरह के वक्त में, तो ऐसे स्काई में
है ना, साइड वगैरह में देखो तो एकदम मस्त मस्त ऐसा शेप दिखाई देगा, कभी हाथी का शेप ऐसा हम लोग देखा करते थे, कभी आपको ऐसे अजीब अजीब शेप भी दिखाई दे जाते हैं स्काई में। तो वो बेसिकली क्या है बेटा, है ना, बादल वगैरह का ही शेप है, और वो पूरा क्लियर व्हाइट स्काई दिखाई देता है आपको, है कि नहीं, क्लियर क्लियर व्हाइट क्लाउड्स दिखाई देते हैं। आगे मेरी बात समझ में, तो वो क्लाउड का जो कलर है वो कैसा होता है, व्हाइट दिखाई देता है। आप बोलोगे कि सर कभी जो क्लाउड्स होते हैं वो बहुत डार्क भी दिखाई देते हैं, है ना, जब बहुत घना बादल छा जाता है तो वो कैसे दिखाई देता है, डार्क दिखाई देता है। वो तब होता है जब लाइट पहुंचना ही बंद हो जाता है हम तक, है ना, लाइट जब पहुंचना बंद हो जाता है तब। अदरवाइज आप देखो तो जो क्लाउड्स होते हैं काफी व्हाइट व्हाइट दिखाई देते हैं ना, ब्राइट व्हाइट। तो ऐसा क्यों, वहां स्कैटरिंग नहीं हो रहा है क्या, ब्लू क्यों नहीं दिखाई दे रहा हमें, है ना, आ रही बात समझ में। तो जो क्लाउड्स होते हैं वो क्लाउड्स बनते कैसे हैं, तो आपको पता होगा बेटा क्लाउड्स का जो फॉर्मेशन होता है वो बेसिकली वाटर ड्रॉपलेट्स से होते हैं। किससे, वाटर ड्रॉपलेट्स प्लस क्या बोलते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक्स, ये सबसे मिलकर के आपका क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स है, डस्ट पार्टिकल्स है, ठीक है, ये सबके जो साइज होते हैं ना वो काफी बड़े होते हैं। बोलोगे आप काफी बड़े कैसे होते हैं भाई, इतने बड़े बड़े थोड़ी हो, तो फिर पत्थर के जैसे आंखें आपको लगने लगे, ऐसा होता है नहीं, ठीक है, काफी बड़े हैं। जब मैं ये कहता हूं तो इसका मतलब है कि एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट, है ना, माइक्रोमीटर के रेंज से वो क्या होता है, बड़ा होता है। जब माइक्रोमीटर के रेंज से बड़ा होता है तो वहां पर वो नियम नहीं लागू हो पाता है स्कैटरिंग वाला, कौन सा नियम, कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ लेमडा है, ये वाला नियम नहीं फॉलो हो पाता है। तो दैट मींस कि जो स्कैटरिंग का बेसिक लॉ है वहां फॉलो नहीं हो रहा है, बेसिक लॉ फॉलो नहीं आ रहा है, तो व्हाइट लाइट आ रही है, ऐसे बड़े पार्टिकल से टकरा रही है, और टकराने के बाद सारे जो उसके कंपोनेंट्स हैं सातों के सातों वो बराबर मात्रा में क्या हो रहे हैं, स्कैटर्ड हो रहे हैं। ठीक है, पहले क्या होता था, अलग अलग कलर अलग अलग इंटेंसिटी के साथ स्कैटर्ड होते थे, बट अभी क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी साइज बड़ी है तो वहां पर वो रूल फॉलो नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से सातों के सातों कलर जो है वो बराबर अमाउंट में स्कैटर्ड हो रहे हैं, सबका इंटेंसिटी ऑफ स्कैटरिंग क्या है, बराबर है। तो कॉन्सेंट्रेटेड होकर के आ रहा था तब भी एक साथ थे, बिखर गए तब भी एक साथ बिखरे, तो हर जगह पर वो सातों कंपोनेंट मौजूद हैं एक समान रूप में, तो आपको क्या दिखाई देगा, व्हाइट ही दिखाई देगा। आगे मेरी बात समझ में, तो जो कलर ऑफ क्लाउड है ना वो कैसा होता है बेटा, व्हाइट होता है। क्यों, क्योंकि वहां पर आपका जो रेलेज लॉ ऑफ स्कैटरिंग है वो वैलिड नहीं होता, बिकॉज उसकी जो साइज होती है वो लाइट के वेवलेंथ के कंपैरिजन में बड़ी होती है। ठीक है, तो चलो इस चीज को भी मैं लिख देता हूं, व्हाई द कलर ऑफ क्लाउड अपियर्स व्हाइट, अपियर्स व्हाइट। ठीक है, क्या बोलोगे बच्चे, क्लाउड्स आर मेड बाय डस्ट पार्टिकल्स एंड डस्ट पार्टिकल्स एंड वाटर ड्रॉपलेट्स एंड स्मोक पार्टिकल्स हुज साइज इज लार्ज एज कंपेयर्ड टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट therefore scattering of light does not occur and the cloud appears white to us। तो इसका एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बेटा। प्लस एक और आपको फेनोमेना
अक्षर दिखाई देता है। आप देखो बेटा सुबह के